दोस्तों आपने बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन कार्ड देखे होंगे, अलग अलग तरीके के 3D या फिर नॉर्मल बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनते हैं। पर दोस्तों आज मैं जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाना सिखाने वाला हूँ बहुत ही गजब का और बहुत ही आसान और बिल्कुल फुल हिंदी में, कोई भी अलग लैंग्वेज नहीं है, हिंदी में बताने वाला हूँ बहुत ही गजब का। अपने मोबाइल फ़ोन से आप है जो इतने आसान तरीके से वेडिंग इन्विटेशन कार्ड एडिटिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल BRV फोटो एंड वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसे आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, साइज रेजुलेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आप फुल स्क्रीन बनाना चाहते हैं इसकी साइज रेजुलेशन ले लेंगे 736 और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसकी हाइट को ले लेंगे आप है जो 1309। ठीक है, तो इसको है जो हम 1309 कर देते हैं और डन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको इतना करने के बाद में आपको फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन करने के बाद में यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर से आपको गैलरी में जो भी टेम्पलेट अगर आपके पास है तो वो टेम्पलेट है जो इसको सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद में राइट के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर बीच में एक गोल आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, साइज रेजुलेशन पर क्लिक करेंगे और हाइट को है जो फुल प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि ये आगे पीछे हिले डुले नहीं। इस तरीके से करने के बाद में दोस्तों अब इसमें है जो पॉइंट बाई पॉइंट समझिएगा, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू गैलरी चले जाएंगे। फ्रॉम टू गैलरी जाने के बाद में आपको एक सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मटेरियल मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ उन सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके एक बहुत अच्छे से वेडिंग इनविटेशन कार्ड को बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं है जो एक ले लेता हूं, पर इस एक सर्कल को ले लेना है। सर्कल को लेने के बाद में इसको जूम आउट करेंगे, जूम आउट करके इसको है जो एकदम छोटा सा करके बीच में आपको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर है जो हम बीच में यहाँ पर लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर है जो गणपति की PNG को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे। जो भी ऑप्शन आप लेते रहे हैं PNG फोटोज उनको है जो लेयर के ऑप्शन क्लिक करके लॉक करते रहना है। वापस से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू गैलरी करेंगे और एक PNG फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं जो PNG फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये गणपति की PNG है, इसको है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम है जो PNG को सेलेक्ट करेंगे, ये PNG नहीं है, फोटो JPG है, तो इसको हम है जो PNG को सेलेक्ट कर लेंगे। देन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और यार लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिव है। तो यहाँ पर ये वाली PNG फोटो है, इसको है जो सेलेक्ट कर लिया, राइट के ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो सर्कल हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर गणपति की फोटो को हम है जो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद में दोस्तों एक और PNG को हम ऐड करेंगे, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम टू गैलरी कर देंगे। फ्रॉम टू गैलरी करने के बाद में आपको है जो एक और PNG को हम ऐड करने वाले हैं। तो फ्रॉम टू गैलरी कर लिया और एक और PNG है, इसको है जो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको है जो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में राइट के ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको जूम आउट करके दोनों साइड में गणपति के आपको दोनों साइड में यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ताकि दिखने में आपकी कंकुपत्री है जो बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर देना है। करने के बाद में आपको कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ले आना है। ठीक है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करके आप है जो इनको लॉक करते रहिएगा, फिर वापस से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू गैलरी करेंगे और एक और PNG को हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर शुभ विवाह लिखा हुआ, ये PNG है, इसको है जो हम ऐड करेंगे। यहाँ पर इतना ऐड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एकदम बीच में सेंटर में यहाँ पर लगा देना है आपको, क्यों कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा और शानदार दिखे। तो नीचे जो हमने PNG इसमें ऐड किया था उसको है जो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करके मतलब हमें है जो पूरा स्पेस मिल गया है, हमें पूरा नाम वगैरह सब कुछ लिखने की जगह मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या, देन गाइस यहाँ पर है जो इस तरीके से क्लिक कर देना है। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो भी दूल्हा दुल्हन का नाम होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हमें हिंदी में जैसे से लिखते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे आप नाम लिख सकते हैं जो भी। तो मैं आपको एक टेम्पलेट वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, साइज के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद में देन गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और फोटो का ऑप्शन जो टेक्स्ट में हम फोटो ऐड करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है जो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये हटा देते हैं।
यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो टेक्स्ट ट्रू से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इमेज का ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर है वो दे देता हूँ ताकि टेक्स्ट है जो गोल्ड कलर का बन जाए। तो यहाँ पर हम है जो या गोल्ड इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में राइट पर ऑप्शन क्लिक कर देंगे और ये गोल्ड बन गया है। ठीक है, यहाँ पर इतना करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो मैं सॉन्ग को चाहिए, ठीक है, इतना करने के बाद में आपको सिंपली इसको जूम आउट करना है। तो यहाँ पर है जो क्लिक करेंगे और स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके बी को सेलेक्ट कर लेना है और इसकी साइज को है जो एकदम छोटा कर देंगे। ठीक है, और इसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ सही कर देंगे। स्टॉक में है जो व्हाइट कलर को दे देंगे, तो यहाँ पर स्टॉक में आ जाना है और यहाँ पर व्हाइट कलर को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देने से मतलब हाईलाइट हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको है जो साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो साइज को है जो एकदम कम कर देंगे। ठीक है, इतना रख देंगे, 30 या 50 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, 50 तक आपको रखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर है जो पोजीशन को सही से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे और पोजीशन के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमें जो यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और राइट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। राइट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद में स्कोर साइज के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर है जो आपको यहाँ आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोल वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से है जो सेप्स पर क्लिक करेंगे। सेप्स पर क्लिक करके एकदम से छोटा कर देना है, यहाँ पर एक लाइन टाइप आपको बना देना है। इतना करने के बाद राइट के ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसका कलर है जो आप देना चाहे तो ये कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर गोल्डन कलर है जो हम दे देंगे। ठीक है, देने के बाद में इसको क्या करेंगे, थोड़ा नीचे खींच लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और लॉक कर देना है। मैंने पहले भी बताया था कि सभी ऑप्शन को आपको लॉक कर देना है, जो भी लॉक ऑप्शन आप लगाते हैं वो उन सभी को है जो लॉक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सभी को लॉक कर देता हूँ और आप चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं, एकदम सही पोजीशन में आने के बाद में सभी को मर्ज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लेयर को वापस टैप करके हटा देंगे और इसको है जो आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस पर हम वापस से टैप करेंगे। ठीक है, वापस से टैप करने के बाद में इसको क्या करना है, थोड़ा सा है जो पोजीशन पर क्लिक करके इसको नीचे ले आएंगे। इतना करने के बाद में हम है जो राइट साइड में ले जाना है, जहाँ पर आपका मतलब नाम है, इसके आगे नाम लिखने की जगह बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं दूल्हे का, तो यहाँ पर दूल्हे के नाम के लिए आपको इस तरह की लाइन बना देनी है। तो मैं जल्दी जल्दी है जो सभी को पूरा कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर है जो मैं दुल्हन के भी नाम को है जो सेम प्रोसेसिंग करके बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तब तक आप हमारे वीडियो देखिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और इन सभी को है जो मर्ज कर देंगे। जो जो ऑप्शन हमें मर्ज करने हैं, जैसे नाम यहाँ पर मर्ज करना है, तो नाम को है जो हम पूरे को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे वाले आइकन पर क्लिक करके बॉक्स को सभी को टिक कर देंगे। बॉक्स को टिक करके मर्ज कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें जो मर्ज के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन ओके कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक लाइन है जो मतलब मर्ज हो चुकी है, इसको अब है जो हम अलग अलग नहीं एक साथ में कहीं से भी घुमा सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो इस सुबिवा को है जो हम नीचे लेंगे और इस नाम वाले को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अब दोस्तों यहां पर हमें कुछ है जो टेक्स्ट पीएनजी और टेक्स्ट भी देने हैं, तो हमें जो इसको करेंगे यहां पर ले आएंगे। यहां पर लाने के बाद में देन आपको क्या करना है, यहां पर है जो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और इसको वापस से लॉक कर देंगे। ठीक है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसको है जो हम पहले सही से सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर इतना रख देंगे और बीच में जो जिसको हमें पत्रिका भेजनी है वो श्रीमान वगैरह वाला सिलेक्ट करेंगे। तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और गैलरी के ऑप्शन क्लिक करके जो मैंने पहले से बना रखी है, तो उसका भी लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखी है, तो इसको भी किस तरीके से बनाते हैं उस पर भी आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं भी इस पर भी एक डेडिकेट वीडियो लाऊँगा। तो यहाँ पर इसको है जो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर लगाने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और वापस से है जो नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है वार, तिथि और दिनांक, वो अब सब कुछ यहाँ पर नीचे लिख देना है। आमंत्रण स्थल वगैरह सब कुछ यहाँ पर नीचे की ओर लिख देना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मतलब आपको है जो परेशानी होगी। ठीक है, तो इसमें अब दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर वार लिखना है या फिर दिनांक लिखना है, तो हम दिनांक लिखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पर टेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे, पेंसिल का आइकन क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। तो पूरा मतलब कंकुपत्र है वो हिंदी में बनाया है, तो आप समझ लीजिएगा किस तरीके से बनाया गया है। तो आपको सब कुछ सिंपली एक प्रोसेस में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ले लिया, इसको एकदम नीचे ले आएंगे और यहाँ पर नीचे लाने के बाद में
आप देखिएगा किस तरीके से किया है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार प्लीज़ दबा के कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी ऐसे नए नए वीडियो आपको हमेशा देखने को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इतना जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इसको है जो कलर चेंज करेंगे, कलर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और इतना कर देंगे। तो होप करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।